भाई साहब रियल इंसिडेंट्स पर मूवी आती रहती है, और यस इस पे आनी भी चाहिए क्योंकि इससे पता लगता है कि भाई साहब उस टाइम पर ऐसा हुआ क्या था, मतलब उसके पीछे की असली कहानी क्या है, उसके पीछे की राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। लेकिन वो तभी तक ठीक है जब उस इन्फॉर्मेशन के साथ फिल्मी दुनिया में भाई साहब कोई मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि फिल्मी दुनिया में बहुत सा मसाला डाला जाता है जो भाई साहब मूवीज़ को एंगेजिंग बनाता है। अगर उसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर छेड़खानी कर दी जाए या फिर मैनिपुलेशन कर दिया जाए तो भाई फिर वो चीज़ मुद्दे लायक नहीं होगी, फिर वो चीज़ ऑनेस्ट नहीं होगी। या दोस्तों पहले आर्टिकल 59, देन कश्मीर फाइल्स, देन उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, देन अभी फाइटर मूवी आ जाएगी जो ऋतिक रोशन के मेन लीड पर बनाई जा रही है, पुलवामा इंसिडेंट के बाद जो एयर स्ट्राइक को दिखाया गया था उसके बेस पर है। एंड नाउ आर्टिकल 370, भाई यामी गौतम मेन लीड पर देखने को मिल रही है और टीजर आ चुका है इसका, एंड जो भी है सिंपल एंड फैंटास्टिक टीजर है। लेकिन वही चीज़ कि भाई साहब 370, आर्टिकल 370 बहुत ही फ्लेक्सिबल मुद्दा है, अगर इसके पीछे थोड़ा सा भी कहानी में मैनिपुलेशन हो गया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ही क्या जो हमें मैनिपुलेट होके मिले, क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल मुद्दा है, इससे पीछे जुड़ी हमने बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे सुने भी हैं और अभी भी भाई साहब बहुत से क्लैशेज चलते हैं इस मुद्दे के पीछे। तो टीजर को रिव्यू करेंगे भाई साहब, टीजर दमदार है, फैंटास्टिक है, रियल इंसिडेंट पर बात उठाई गई है, आर्टिकल 370 में क्या हुआ था, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है, देन उस आर्टिकल 370 का यूज करके कैसे फ़ायदा उठाया जाता था, उसके पीछे कैसे गैरकानूनी काम करे जाते थे, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं भाई कि 370 के आर्ट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे इंडिया का जो संविधान कहता है, जो मेंटेन बना के रखने वाली बात करता है, भाई वो चीज़ के खिलाफ भी 370 कई बार जाते दिखता था, दैट्स वाई कि उसे ख़त्म भी किया गया है। देन आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं टीजर में, जिसे धंधा भी बताया जा रहा है, और यस इसके पीछे धंधा ही होता था, क्योंकि बहुत से जो कश्मीर के हाईएस्ट जो पॉलिटिशियंस होते थे इसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे, और हम सब जानते हैं रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है, लाइक वो पत्थरबाजी जो ब्रूटल सिनेरियो होता था जिसमें हमारे बहुत से जवान घायल भी होते थे और जो आम जनता वहाँ की होती थी उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। एंड दूसरी बात भाई, यामी गौतम किल्ड इट यार, जब भी मतलब ये बंदी जब भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग वाली पोजीशन में आती है, एसोसिएटेड इससे रिलेटेड एसोसिएटेड पोजीशन में आती है, चाहे लॉयर हो गई, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो गई या कॉप हो गई, क्योंकि इन्हें हमने आर्टिकल 15 में भी देखा, देन उसके बाद हमने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा था, देन बत्ती गुल मीटर चालू जो मूवी आई थी भाई लॉयर का रोल किया था, OMG 2 में लॉयर का रोल प्ले किया, दमदार। इसमें भी भाई साहब ये फुल मेन लीड पर देखने को मिल रही हैं और फिर लेट गया है, जबरदस्त काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंट एक कॉप का काम कर रही है, ये जो फुल रौद्र रूप में देखने को मिल रही है। टीजर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि भाई जो सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी बनाई गई थी जिनके मेकर्स के द्वारा, वही मेकर्स इस मूवी को बना रहे हैं, यानी उन्हीं मेकर्स का हाथ भी इस मूवी के ऊपर है, दैट्स वाई कि यार इतना तो ट्रस्ट बनता है कि भाई जब उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो हो सकता है 370 के साथ भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन भी सही निकल के आएगी यहाँ से, क्योंकि भाई जो भी दिखाया जाएगा वो सच के माफिक होगा। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर इब्राहिम बालोच है, शायद पहली बार नाम सुन लिया होगा, लेकिन नहीं, ये फेमस एंड धमाकेदार डायरेक्टर हैं जिन्होंने 90s में फाड़ मूवी दे रखी है, लाइक तिरंगा, लाइक क्रांतिवीर, लाइक कोहराम, तो दमदार है डायरेक्टर, दैट्स व्हाई कि भाई टीजर तो दमदार लगा है, ट्रेलर का वेट है, क्या से क्या और मिल सकता है और मूवी में क्या क्या मिल सकता है। दूसरी बात यार, एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना ये सही डिसीजन था या नहीं था, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे अभी भी बहुत से क्लैशेस देखने को मिलते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल मुद्दा है। बाकी आप लोग इसके बारे में और क्या जानते हैं वो नीचे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।